स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचें कि क्या सही है और क्या गलत। पहले सुने आज की गपशप। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की ओर से चुने गए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अभी शपथ नहीं ली है और उससे पहले ही इस गठबंधन के भविष्य को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। एक तरफ उनके चलने का मामला है तो दूसरी तरफ उनको चलने देने की भाजपा की मंशा का मामला है। सबसे अहम सवाल भाजपा की मंशा का ही है कि क्या वह इस गठबंधन को चुपचाप काम करने देगी। भाजपा के दिल्ली में बैठे नेता मान रहे हैं कि भाजपा आसानी से इसे काम नहीं करने देगी। उनका कहना है कि भाजपा के पास दो मॉडल है, एक कर्नाटक का और दूसरा बिहार का। कर्नाटक मॉडल लागू करने के लिए देवेंद्र फडणवीस को जोर लगाना होगा, तभी ज्यादा संभावना इस बात की है कि भाजपा आलाकमान बिहार मॉडल पर काम करे, जैसे पुराने सहयोगी नीतीश कुमार को राजद और कांग्रेस से अलग करके वापस एनडीए में लाया गया था। उसी तरह थोड़े समय के बाद अपनी पुरानी वैचारिक सहयोगी और हिंदुत्ववादी पार्टी शिवसेना को तैयार किया जाए कि वह भाजपा के साथ लौट आए। उसके लिए भाजपा नेता अधिकतम सीमा 2.5 साल की दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि झगड़ा तो इससे पहले ही शुरू हो जाएगा, पर 2.5 साल में एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाने का दाव चल सकते हैं, तभी उनके भाजपा के साथ लौटने का मौका बनेगा। भाजपा तब तक इंतजार करने को तैयार है। महाराष्ट्र की सत्ता का रिमोट किसी जमाने में मातोश्री में होता था। बाल ठाकरे बहुत गर्व से कहा करते थे कि वे रिमोट कंट्रोल से महाराष्ट्र की सरकार चलाते हैं। 1995 में पहली बार उनकी पार्टी ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब सरकार बाल ठाकरे के रिमोट से चलती थी। उसके बाद केंद्र में चल रही अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में भी बाल ठाकरे का रिमोट चलता था। भाजपा के बड़े बड़े नेता मातोश्री जाते थे और हाथ बांध कर खड़े रहते थे, पर विडंबना है कि अब जबकि बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो रिमोट मातोश्री में नहीं होगा। जब तक महाविकास अघाड़ी की सरकार रहेगी, सत्ता का केंद्र मुख्यमंत्री का आधिकारिक बंगला, वर्षा या ठाकरे परिवार का निवास मातोश्री नहीं होगा, बल्कि शरद पवार का निवास सिल्वर ओक होगा। आखिर उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की गद्दी शरद पवार की कृपा से ही मिली है। दोनों पार्टियों की सीटों की संख्या में सिर्फ 2 का फर्क है। शिवसेना के पास 56 और एनसीपी के पास 54 विधायक हैं। सो सरकार तो पवार की मर्जी से ही चलेगी। उनको पीछे से कांग्रेस का समर्थन भी मिल रहा है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी तो गंवा ही दी है, साथ ही 5 साल सरकार चलाकर जो साख बनाई थी वह भी गंवा दी है। अगर वे सरकार बनाने की पहल नहीं करते और आनंद फानन में आधी रात का ऑपरेशन चलाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेते तो उनकी साख बची रहती और नेतृत्व भी बचा रहता। ऊपर से उन्होंने सिंचाई घोटाले के आरोपी अजीत पवार का समर्थन लेकर उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर भी अपनी साख बिगाड़ी है। भाजपा आलाकमान ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मराठा नेता चंद्रकांत पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उनको पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का करीबी माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि अमित शाह उनको ही मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे। पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि अब चंद्रकांत पाटिल की ताकत और बढ़ेगी। फडणवीस की एक सीमा यह भी है कि वे ब्राह्मण हैं और विदर्भ से आते हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी भी ब्राह्मण हैं और विदर्भ के ही हैं। सो माना जा रहा है कि गडकरी का समर्थन फडणवीस को नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि 2 मजबूत लॉबी ऐसी होगी जो उनका समर्थन नहीं करेगी। महाराष्ट्र के ड्रामे से भाजपा के दोनों शीर्ष नेताओं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जैसी किरकिरी हुई है, उसे देखकर भी लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को उनका वैसा समर्थन नहीं मिलेगा जैसा पहले मिलता रहा है। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं। वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।